अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं अश्नू जन्नत आज आपको टेबल ऑफ नाइन सिखाने जा रही हूँ। इसमें जो तरीका है वो है हैंड रूल। हैंड रूल को समझने के लिए हम यहाँ से ये समझते हैं। ये है मेरा लेफ्ट हैंड, मैंने अपने लेफ्ट हैंड को टेस कर दिया है, तो अब ये मेरा है राइट हैंड। मैंने अपने राइट हैंड को टेस किया है और हम ये वाली लेफ्ट हैंड की ये वाली उंगली को वन बोलेंगे और राइट हैंड की ये वाली उंगली को टेन। अब हम नाइन का टेबल सीखेंगे। फर्ज करें आपने नाइन वन निकालने हैं, तो आपने पहली ये वाली फिंगर को क्रॉस कर देना है इसी तरह से। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, पहले इसके लेफ्ट साइड पे हम देखेंगे कि कितनी फिंगर बची है। यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये जीरो फिंगर है और यहाँ पर आएगा जीरो। यहाँ पर आपने जो है एल, उसके नीचे आपने जीरो लगाना है। तो आगे हमने देखना है कि ये देखिए, इसके आगे राइट तरफ जो सी फिंगर बची हुई है वो हमने काउंट करनी है। चले काउंट करके देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये पूरी फिंगर है 9। तो हम यहाँ पर आर के नीचे 9 लगा देंगे। 9 लगाकर अब हम आपने 9, 2 निकालना है। तो आपने हमने जो सा है करना है कि ये वाली फिंगर से क्रॉस हटा देना है और ये वाली फिंगर पर क्रॉस कर देना है, उसी फिंगर पर जो 2 वाली है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है। तो आगे की हमने जो सी है ये पहले तो हम पीछे की करेंगे, लेफ्ट है लेफ्ट तरफ वाली करेंगे फिंगर। तो अब ये यहाँ पर तो है एक फिंगर, मतलब एक। तो अब हम जहाँ पर L लिखा हुआ है उसके नीचे हम 1 लिख देंगे। तो अब इसके इधर वाली साइड में, मतलब राइट वाइज साइड पे कितने बचे, कितनी फिंगर बची हैं वो हम काउंट कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर टोटल 8 फिंगर हैं। तो यहाँ पर 8 लगा दिया जाएगा आर के नीचे। तो फर्ज करें आपने 9, 3 निकालना है, तो आपने वो जो थी अपनी दूसरी फिंगर को आपने क्रॉस किया था उससे क्रॉस हटाकर, तो अगली जो सी फिंगर है उससे तीसरी वाली उस पे आपने क्रॉस लगा देना है। क्रॉस लगाकर अब हमने इसके लेफ्ट वाली साइड पर जो फिंगर है वो काउंट करनी है और यहाँ पर है 1 और 2, यहाँ पर टोटल 2 है और 2 लिखकर अब हम देखेंगे कि ये जहाँ पर हमने क्रॉस लगाया उसके आगे राइट वाली तरफ की फिंगर जो सी है वो कितनी है। शाबाश। और यहाँ पर है फिंगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर टोटल 7 फिंगर्स है और यहाँ पर हम 7 लगा देंगे। अब आपने करना है 9, 4। तो 9, 4 को करने के लिए हम ये यहाँ से ये रेज कर देंगे और आगे जो सी 4 वाली फिंगर है उसके ऊपर आप क्रॉस लगा देंगे, मतलब वो नहीं है। तो अब इसके लेफ्ट वाली साइड पे जो फिंगर जो बची है वो हम काउंट करेंगे, वो टोटल है 1, 2, 3, वो टोटल 3 है और यहाँ पर आपने 3 लगाना है।
थ्री लगाकर अब हमने देखना है कि ये वाली फिंगर के आगे जो से है राइट तरफ वाली फिंगर कितनी है, और यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर पूरी 6 है, तो हम यहाँ पर 6 लगाएंगे आर के नीचे। तो अब हमने 9 5 निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि जो से है हम उस उंगली में से क्रॉस हटा देंगे, मतलब रेज कर देंगे, और आगे वाली 5 नंबर की जो सी है फिंगर हम उनके ऊपर क्रॉस करवा देंगे। तो अब हम इसके पीछे वाली मतलब लेफ्ट फिंगर जो सी देखेंगे, लेफ्ट तरफ वाली फिंगर वो है 1 2 3 4, यहाँ पर टोटल 4 है फिंगर्स, तो यहाँ पर आएगा 4 लगाकर अब हम देखेंगे कि इस फिंगर के आगे जो उसके फिंगर्स कितनी बची है। यहाँ पर है 1 2 3 4 5, टोटल 5 फिंगर्स है, और यहाँ पर है 5, आगे नीचे 5 आपने लगा देना है, तो आपने फर्क करें आपने 9 6 निकालना है। तो आपने 5 वाली उंगली में से ये क्रॉस रेज कर आपने 6 मतलब ये वाली उंगली पर आपने क्रॉस लगा देना है। तो क्रॉस लगाकर आपने अब इसके पीछे वाली जो सी पीछे वाला लेफ्ट वाली जो सी है फिंगर्स वो आपने काउंट करनी है। ये टोटल है 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 है। तो अब हमने यहाँ पर हमने 5 लगा देना है, 5 लगाकर अब आपने देखना है इस फिंगर में से आपने इधर वाली कितनी है, राइट वाले तरफ की फिंगर कितनी है, ये टोटल है 1 2 3 4, ये टोटल 4 है। तो अब आपने 4 को आपने 5 के लगा देना है पास, 9 7 को निकालना है, तो इसके लिए आपको ये जो से 6 वाली फिंगर है उसके ऊपर से क्रॉस हटा देना है, क्रॉस हटाकर उसे अगली फिंगर पर 7 फिंगर पर लगा देना है, 7 फिंगर पर लगाकर आपने काउंट करनी है ये लेफ्ट तरफ वाली फिंगर्स। तो ये टोटल है 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 बची है, मतलब लेफ्ट वाली तरफ की 6 है। तो अब यहाँ पर हम 7 वाले जहाँ पर 9 7 है वहां पर आप 6 लगा दीजिए, और 6 लगाकर अब हमने देखना है कि 7 वाली फिंगर जो से आपने क्रॉस किया है उसके राइट तरफ में कितनी फिंगर है, और यहाँ पर है टोटल 1 2 3, यहाँ पर टोटल 3 है, तो 3 आपने 6 के पास लगा देना है। तो अब जैसा हमने करना है कि 9 और 8 को लेना है, तो आपने क्या करना है कि 7 वाली फिंगर में से निकाल कर क्रॉस मतलब रेज करके तो आगे 8 वाली फिंगर पर लगा देना है, तो ये वाली फिंगर चले गई बाहर। तो इसके हमने पहले देखना है लेफ्ट तरफ कौन सी फिंगर्स है, कितनी फिंगर्स है, यहाँ पर टोटल है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर टोटल 7 है फिंगर, तो हमने यहाँ पर 7 लगा देना है, और 7 के जब हमने 7 लगा दिया है तो हमने क्रॉस देखना है, क्रॉस किस उंगली में लगाया उसके आगे वाली राइट तरफ वाली फिंगर में हमने देखना है वो कितनी है, और यहाँ पर है 1 और 2, टोटल 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 लगा देना है। अब 9 और 9 करना है, तो आपको ये 8 वाली उंगली में से क्रॉस निकाल कर आपने 9 वाली उंगली में लगा देना है।
नहीं वाली ने में कॉस कर रख दे मैं के लेफ्ट तरफ वाली उंगलियां कितनी है और ये टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये टोटल है 8 है। तो अब हमने ये 9 और 9 के पास 8 लगा देना है, इक्वल के पास इधर साइड पे। तो अब हमने काउंट करनी है इधर वाली फिंगर, मतलब राइट तरफ वाली फिंगर्स काउंट करनी है आपने। यहाँ पर टोटल है 1 ही क्योंकि ये बची ही 1 है। तो अब आपने 8 के पास 1 लगा देना है, 10 वाली उंगली में डाल देना है क्रॉस। क्रॉस डाल कर हमने देखना है कि दोनों सा है हमारे पीछे, मतलब लेफ्ट तरफ में कितनी फिंगर्स हैं। और ये टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 है। 9 है तो हमने यहाँ पर 9 लगा देना है इक्वल के पास। जहाँ पर 10 लगाया वहां पर इक्वल के पास हमने 9 लगाया। इसके राइट तरफ में क्या है जो जिसमें हमने क्रॉस लगाया हुआ है, उसके राइट तरफ में क्या है? उसके राइट तरफ में तो कुछ नहीं है क्योंकि अब यहाँ पर भी क्रॉस लगा है 10 वाली उंगली में भी। अब पीछे तो कुछ भी नहीं बचे होगा, आगे बिल्कुल नहीं बचा होगा ना, तो इसलिए यहाँ पर 0 आना है। तो डियर स्टूडेंट, हमने 9 का टेबल सीख लिया। हमारे वीडियो पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब करिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।